हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने विटामिन के बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शामिल किए हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने विटामिन के बारे में सारे पॉइंट बताए हैं, उससे रिलेटेड ट्रिक बताई है जिससे आपको ईजिली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर का टेस्ट शामिल किया है विटामिन से संबंधित का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लेक्चर को पूरा देखिए, शुरू से एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। तो फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें कि विटामिन से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में उपचय मेटाबॉलिज्म रासायनिक प्रतिक्रिया और नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। इससे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता किस तरह की होती है? सबसे पहले होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे, वसा या कार्बनिक कोहलकों में घुलनशील विटामिन। तो इनमें कौन कौन से विटामिन शामिल हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। दोस्तों, इस पर भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और बसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप जल में घुलनशील विटामिन याद कर लेते हैं तो इसका अपोजिट आपको बसा में घुलनशील भी विटामिन याद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको जल में घुलनशील विटामिन पता है तो आपको बसा में घुलनशील विटामिन पता लग जाएंगे। तो हम अपनी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, ये क्या है? जल है। तो दोस्तों, हमने क्या किया? ये क्या है? बियर। और ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, ये दोनों कोल्ड ड्रिंक और बियर हम पानी में मिलाएंगे या जल में मिलाएंगे तो ये घुल जाएगी। दोस्तों, पानी में हम कोल्ड ड्रिंक और बियर घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाती है। तो बियर से बना हमारा बी और कोल्ड ड्रिंक से बना हमारा सी। तो दोस्तों, आप इसे बी और सी समझ लें, यानी कि बी से विटामिन बी हो गया और सी से हमारा विटामिन सी हो गया। सी से कोल्ड ड्रिंक, इसी तरह से बियर से विटामिन बी। तो आप इस तरह से इसे मैच करके याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6 ऊर्जा संबंधित विटामिन हैं। फ्रेंड्स, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विटामिन B9, विटामिन 12 रक्त संबंधित विटामिन हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त से संबंधित विटामिन कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? विटामिन B9, विटामिन B12। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो कौन से विटामिन का होता है? विटामिन डी एवं विटामिन के का। दोस्तों, अब देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स टेबल में देख सकते हैं, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन।
और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरीबेरी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। अगला है हमारा विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। अगला विटामिन है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बांझपन। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लेक्टिनोन। और इसकी कमी से रोग होने वाला कौन सा है? रक्त का थक्का ना बनना। तो दोस्तों ये थे इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम की ट्रिक। दोस्तों इसे याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप उससे रिलेट करके याद रखेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो हमने ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, ये कोई लड़का है, ये मेरे पास आया, कहने लगा सर मुझे विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक बता दीजिए। तो मैंने कहा बता देता हूँ, लेकिन तुझे एक काम करना होगा, पहले तू कैलकुलेटर लेकर आ। क्या लेकर आ? कैलकुलेटर। दोस्तों ये गया और बाज़ार गया और कैलकुलेटर ले आया। तो कैलकुलेटर को आप सभी जानते होंगे, शॉर्ट में हम कैलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलसी। ये लड़का जब कैलकुलेटर लेकर आया तो मुझसे कहने लगा सर मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ या कैलसी ले आया हूँ, आप मुझे विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक बता दीजिए। मैंने कहा बेटा पहले आप ये बताओ इस कैलसी का रेट कितना था। तो इस लड़के ने क्या कहा? इस कैलसी का रेट टॉफी के बराबर था। मैंने कहा क्या कहा? तो इसने कहा रेट था इस कैलसी का टॉफी बराबर। तो मैंने कहा तुझे याद हो चुका है, रेट था इस कैलसी का टॉफी बराबर। तो फ्रेंड्स आप भी याद रखें, रेट से बना हमारा रेटिनॉल, था से बना हमारा थायमीन, इससे बना एस्कार्बिक एसिड, कैलसी से बना हमारा कैल्सिफेरॉल, टॉ से बना हमारा टोकोफेरॉल, फी से बना हमारा फिलेक्टिनॉन। तो दोस्तों आपको भी मुझे लगता है कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी, इससे आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग की ट्रिक, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस है, आप इसे याद रखें, रबेरी सारे वहाँ रक्त जमा गए, रबेरी सारे वहाँ रक्त जमा गए। तो रस से बना हमारा रतौंधी, बेरी से बना हमारा बेरीबेरी, सा से बना हमारा स्कर्वी, रे से बना हमारा रिकेटस, और वहाँ से बना हमारा बांझपन, रक्त से बना हमारा रक्त का थक्का ना जमना। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से रिलेट कर याद रख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने लेक्चर को कॉन्सेप्चुअली समझा और उसकी रिलेटेड ट्रिक देखी, तो अब हमें लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में विटामिन से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों हमारी ट्रिक थी रेड था इस कैल्सी का, तो इससे क्या आ रहा है? एस्कार्बिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमारा कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील है? दोस्तों मैंने ट्रिक बताई थी जल में कौन कौन सा विटामिन घुल जाता है, कोल्ड ड्रिंक और बियर। तो कोल्ड ड्रिंक हमारा सी यानी कि विटामिन सी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनन शक्ति का कम हो जाना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जनन शक्ति यानी कि बांझपन, तो दोस्तों बांझपन किससे हो जाता है? विटामिन ई की कमी से। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मैंने लेक्चर में आपको बताया है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक याद होगी तो विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? एस्कार्बिक एसिड, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो दोस्तों विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही मिलान कीजिए। तो ये हमारे विटामिन दिए गए हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरीबेरी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से मैच होगा। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।